गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर फैकल्टी फॉर सीए इंटरलॉक कुणाल मंधानिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू लॉजिकल्स। लॉजिकल्स दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की है जहां मैं हर दिन अपने अन अकेडमी के ग्रुप वन चैनल पे एक लीगल वर्ड्स या उसका मीनिंग और उसका एप्लीकेशन सिखाता हूं। तो आज दोस्तों मैं लेके आ रहा हूं एक टॉपिक जिसका नाम है साइटेशन ऑफ लॉ, विच मीन्स हाउ टू रीड केस लॉस। तो जब भी आप लॉ की या ऑडिट लॉ की या टैक्स की पढ़ाई करते होगे, राइट, तो कई बार केसेस के नाम लिखे होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर कि उस केसेस का नाम का मतलब क्या है। तो बेसिकली वो केसेस के नाम का मतलब क्या है वो कवर होता है हमारे साइटेशन ऑफ लॉ पे। दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो What do you mean by citation of law? Citation of law मतलब giving reference to. Is it clear? Citation of law मतलब source decide करना, source बताना या reference बताना। ठीक है, reference किसका बताना? Reference बताना या तो किसी case law का, किसी court के judgment का, या number two किसी book का reference देना, या number three किसी authority का reference देना। Okay? तो जब भी हम बोलते हैं साइटेशन ऑफ लॉ, मतलब हम कहीं ना कहीं रेफरेंस दे रहे हैं लॉ का, या तो किसी जजमेंट के एंगल से, या किसी बुक के एंगल से, या किसी अथॉरिटी के एंगल से। नाउ कमिंग टू क्लास, व्हाट आर सोर्सेस ऑफ लॉ, लॉ के सोर्सेस क्या होते हैं। सी, हम जब बात करते हैं, कोई भी सिचुएशन आती है प्रैक्टिकल लाइफ में जहां कोई लॉ अप्लाई होता है, जहां कोई लॉ अप्लाई होता है, तो वो लॉ हम कहां से लेके आते हैं। द आंसर इज, वो लॉ लेके आते हैं हम दोस्तों किसी एक्ट से। ओके, मतलब कोई पर्टिकुलर इश्यू हुआ तो वो इश्यू पे क्या होना चाहिए उसके लिए उस से रिलेटेड जो भी एक्ट है वो एक्ट को हम यूज करते हैं। परफेक्ट। बट एज यू ऑल नो कि एक्ट आप प्रैक्टिकली हर सिचुएशन के लिए लॉ नहीं बना सकते। तो ऐसे केसेस में जहां जहां पर्टिकुलर लॉ या पर्टिकुलर एक्ट साइलेंट होता है, वहां पे मैटर कोर्ट में जाता है एंड कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम एंड यूसेज, जो हमारे इंडिया के कस्टम्स हैं, पेड यूसेजेस हैं, एंड इक्विटी और जस्टिस के बेसिस पे एक कोर्ट का जजमेंट देता है। यस, ठीक है, कोर्ट इक्विटी और जस्टिस, क्योंकि लॉ तो वहां पे कुछ है नहीं, कोई एक्ट तो वहां पे है नहीं, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट जजमेंट देता है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स, ट्रेड यूसेज एंड इक्विटी एंड जस्टिस। तो कहीं ना कहीं वो जो कोर्ट का जजमेंट आता है दोस्तों, वो भी हमारे लिए क्या बन जाता है, एक लॉ। यानी अगली बार अगर वैसी ही सिचुएशन आती है हमारे सामने, तो उस केस में, ठीक है, अगर लॉ लिखा है तो हम लॉ को यूज करेंगे, बट अगर लॉ साइलेंट है तो ऐसे केस में जो वो जजमेंट आया था वो जजमेंट को हम दोस्तों यूज करते हैं। ओके, सो उससे आई कम टू द मेन टॉपिक जिसपे आज हमारा ये साइटेशन ऑफ लॉ है। ओके, अगेन आई रिपीट, आपने कई बार लॉ में या टैक्स में देखा होगा किसी पर्टिकुलर केस का रेफरेंस आता है, तो उसे कैसे पढ़ना है, दैट इज अगेन कॉल्ड एज साइटेशन ऑफ लॉ। आई गिव यू एग्जाम्पल, जैसे लिखा होगा, ठीक है, ए वर्सेज बी, ए मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ए वर्सेस बी, कई बार आगे नंबर्स लिखे होते हैं, ऐसे कुछ लेटर्स लिखे होते हैं, तो सर ये नंबर्स, ये लेटर्स, ये पूरे केस का जो नाम लिखा है उसका मतलब क्या है। ओके, तो सबसे पहले जब भी केस का नाम लिखा होता है, जो फर्स्ट नाम लिखा होता है दैट इज नथिंग बट प्लेंटिफ, मतलब कोर्ट में केस किसने किया था, प्लेंटिफ कौन था, उसका नाम नॉर्मली पहले लिखा होता है। फिर आप देखते हो एक वर्सेस लिखा होता है एंड उसके बाद में, ठीक है, सेकेंड नाम जो लिखा होता है वो डिफेंडेंट का नाम लिखा होता है। इन शॉर्ट, जब भी दिस वर्सेस दिस ऐसा आपको दिख रहा है तो उसमें याद रखना जो पहला नाम लिखा है वो पर्सन है जिसने कोर्ट में केस किया है। नंबर टू, सेकेंड नाम जो लिखा होता है वो उस पर्सन का होता है जिसके अगेंस्ट में उसने कोर्ट में केस किया है। ओके, नेक्स्ट, आगे आप देखोगे कि एक नंबर लिखा होता है,
ठीक है, नॉर्मली ये कुछ लेटर्स के पीछे एक नंबर लिखा होता है और आगे एक नंबर लिखा होता है। जैसे इस केस में पीछे एक नंबर लिखा है और आगे एक नंबर लिखा है। ये जो आप CLJ देख रहे हो क्लास, दैट इज नथिंग बट अ लॉ रिपोर्ट और अ रिपोर्टर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो भी केसेस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजमेंट्स आते हैं, ओके, उन जजमेंट्स को या तो गवर्नमेंट अथॉरिटी यानी कोर्ट खुद या फिर प्राइवेट पब्लिकेशन हाउसेस पब्लिश करते हैं, ओके। दोस पब्लिशिंग जो पब्लिश होते हैं, दोस आर कॉल्ड एज लॉ रिपोर्ट्स। उन्हें क्या बोलते हैं? लॉ रिपोर्ट्स या रिपोर्टर्स, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजमेंट्स आते हैं वो सब कोई ना कोई पब्लिकेशन हाउस पब्लिश करता है, ओके। तो जो भी पब्लिकेशन हाउस वो पब्लिश कर रहा है उसे हम बोलते हैं लॉ रिपोर्ट या उसे हम बोलते हैं रिपोर्टर। जैसे इस केस में हो गया CLG, CLG इज कॉर्पोरेट लॉ जर्नल या कंपनी लॉ जर्नल, ओके। तो कंपनी लॉ जर्नल नाम की एक पब्लिकेशन है, जो पब्लिकेशन है, रिपोर्ट है, जो बुक पब्लिश करती है कंपनी लॉ के केसेस को, ओके। तो पॉइंट इज, अगर किसी को ये केस देखना है तो वो कहां देखेगा, उसका सोर्स कहां पे है, रेफरेंस कहां पे है? तो जिसको भी ये केस पढ़ना है वो जाएगा कंपनी लॉ जर्नल में। लेफ्ट साइड में लिखा होता है वॉल्यूम, जो आपको दिख रहा है 408, ठीक है। तो 408 इज नथिंग बट, ठीक है, से वॉल्यूम। एक काम करते हैं, इसको इजी करने के लिए आपको करते थे 4, ओके। तो बेसिकली कंपनी लॉ जर्नल के वॉल्यूम नंबर 4 के राइट साइड में अगर आप देख सकते हो तो इट इज 238। दिस इज नथिंग बट बिगिनिंग पेज, मतलब जिस पेज नंबर पे, ठीक है, वो केस छपा हुआ है, ओके। सो मैं रिपीट करता हूं, ये जितने भी केसेस होते हैं ये कोई ना कोई जर्नल में, ठीक है, लॉ रिपोर्ट में पब्लिश होते हैं। वो जर्नल का नाम वहां पे लिखा होगा, लेटर्स से हम समझ जाते हैं कौन से जर्नल में लिखा है, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे यहां पे CLJ लिखा हुआ है तो हमको समझ गया बॉस ये कॉर्पोरेट लॉ जर्नल में छपा हुआ है। लेफ्ट साइड में उसका वॉल्यूम नंबर होता है जो फोर्थ पेज पे दिख रहा है, 4 दिख रहा है आपको, एंड राइट साइड में बिगिनिंग पेज होता है जिस पेज पे वो पब्लिश हुआ है। लास्ट इज 1972, दैट इज ईयर ऑफ जजमेंट, जिस साल वो जजमेंट आया था, ओके। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, जब भी मैं साइटेशन अब समझ चुका हूं, जब भी मैं कोई भी केस देखूंगा तो जिसका नाम पहले लिखा होगा वो प्लेंटिव होगा, उसने कोर्ट में केस किया है, जिसका नाम सेकंड में लिखा होगा वो डिफेंडेंट होगा, उसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस किया है। और अगर मुझे ये केस पढ़ना है तो कोई ना कोई रिपोर्टर का नाम लिखा होगा, उसके उस वॉल्यूम नंबर में बुक में जाके उस पेज नंबर पे अगर मैं जाऊंगा तो मुझे वो रिपोर्ट मिल जाएगा, ओके, एंड ईयर ऑफ जजमेंट क्या है वो भी मुझे मालूम पड़ जाएगा। तो जैसे अपने इस एग्जाम्पल में CLJ था क्लास, ओके, वैसे ही और कौन कौन से रिपोर्टर्स हैं मैंने आगे नीचे मेंशन किया है। नंबर 1 इज इनकम टैक्स रिपोर्ट, ITR। तो इनकम टैक्स रिपोर्टर जो होते हैं वो बेसिकली पब्लिश करते हैं इनकम टैक्स के मैटर्स। देन एक होता है SSC, ऐसे लेटर्स दिखेंगे आपको, SSC, मतलब ये जो पब्लिकेशन है ये सुप्रीम कोर्ट के सारे केसेस पब्लिश करता है, ओके। एक है आपका ऑल इंडिया रिपोर्ट, ऑल इंडिया रिपोर्टर, ऑल इंडिया रैंक नहीं है ये, ऑल इंडिया रिपोर्ट है ये, ओके। ऑल इंडिया रिपोर्ट जो है वो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैटर्स को पब्लिश करता है, डन। नेक्स्ट है CLJ, कंपनी लॉ जर्नल, कॉर्पोरेट लॉ जर्नल, ये कंपनी लॉ के जितने भी रिलेटेड केसेस है वो पब्लिश करता है। एंड लास्ट इज LR, दैट इज लेबर रिपोर्ट्स, ये लेबर लॉ के मैटर्स को पब्लिश करता है, ओके। तो अब से दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि जब भी किसी केस का नाम लिखा होगा आपको साइटेशन करना है, समझना है कि बॉस उस केस का नाम का मतलब क्या है। जो भी सामने वाले पार्टीज के नाम लिखे होते हैं, पहला पार्टी वो जिसने कोर्ट में केस किया है, सेकंड पार्टी वो जिसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस किया है, ऑलराइट। फिर एक कोई ना कोई रिपोर्टर का नाम लिखा होगा जिसमें वो पब्लिश हुआ है, उसके लेफ्ट में लिखा होगा उसके वॉल्यूम का नाम, राइट में लिखा होगा पेज नंबर का नाम, एंड साथ साथ लिखा होगा ईयर ऑफ जजमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड
what is citation of law, and this will help you for understanding and reading various case laws. Alright, ठीक है. So this was my today's session on logicals. I hope आपको पसंद आया हो. जो स्टूडेंट्स को ये सारे मेरे सीरीज देख के मजा आ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरी क्लास करनी है, तो यस, आज आई विल कम लाइव फॉर विथ माई सेकेंड लेक्चर ऑन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम 3 PM to 4 PM. नंबर टू, जितने भी मे के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको लॉ में पढ़ने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, डरने की कोई जरूरत नहीं है. मैं प्लस पे 1 April से लेके क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ 25 days का, जिससे आपका लॉ का सारा टेंशन खत्म हो जाएगा. दैट इज श्योरली अ गारंटी. ऑलराइट, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे. बाय बाय, टेक केयर.